गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शिव मरोड़ा फ्रॉम सिल्वर बेल्स मानसर पालमपुर। टुडे आई एम हियर फॉर अवर सेम टू चैप्टर नंबर 12 सम एंड एनी वन एंड वंस ऑफ क्लास 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश 2 में हमने जो 1 to 11 चैप्टर देखे थे फर्स्ट सेम के अंदर, अब जो हमारा 12th वाला चैप्टर सेम 2 से स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब मैंने आपको ओरल्स की सब बच्चों की बुक्स देखी थी, तब मैंने देखा था वहां पे जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी हुई थी, आपके बुक्स इनकम्प्लीट थी। अब जब स्टूडेंट्स मैं आपको रूल्स सिखाता हूँ, आपको रूल्स लिखने होते हैं नोटबुक के अंदर, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के मैं जैसे कुछ 15 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से मैं आपको 4 to 5 सिखाता हूँ, तो बाकी के आपको खुद से आपके घर पे सॉल्व करने होते हैं एक्सरसाइज। तो वो आपको एक्सरसाइज आपकी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर आपको लिखनी होती है और आपको कंप्लीट करनी होती है, क्योंकि ओरल के लिए नोटबुक के 10 मार्क्स होते हैं। अगर जिस बच्चों की बुक्स इस बार सेकंड सेम में कंप्लीट नहीं होगी उनको मैं डायरेक्ट 0 मार्क्स दे दूंगा। ओके सो आपको अपनी बुक्स कंप्लीट रखनी है टाइम से। ओके अब हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सम एंड एनी एंड वन एंड वंस स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स, हम रूल्स पे थोड़ा गौर करते हैं। अब रूल्स क्या है सम एंड एनी के, सबसे देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वाला। सम एंड एनी बोथ दिस वर्ड्स कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउंस। और जो सम और एनी है वो स्टूडेंट्स क्या है, ये हम दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया गया सम फ्लावर्स, ओके सम ब्रेड, एनी फ्लावर्स, ओके यहाँ पे फ्लावर आएगा, ओके और यहाँ पे क्या आएगा सम फ्लावर्स सम ब्रेड्स और एनी फ्लावर एनी ब्रेड्स। ओके हम काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे अनकाउंटेबल्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सम हमारा यहाँ पे है सम प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम, वैसे सम वाटर और एनी वाटर। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एस नहीं आएगा। ओके सो हमें एक चीज ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स के जो आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ आप जो ये दोनों वर्ड्स हम इसको यूज कर सकते हैं, सम और बोथ को, दोनों को सम और एनी को, ओके दोनों के लिए यूज होता है। अब जो हमारा मेन रूल है सम, अब सम का हमारा मेन रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो सम इज यूज इन द फॉलोइंग काइंड ऑफ सेंटेंस। अब सम किसके साथ यूज होता है, दो सेंटेंस के साथ ये यूज होता है, जैसे कि अफर्मेटिव है और इंट्रोगेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के किस तरह की, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, देयर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चिल्ड्रन से वो यहाँ बाहर है, तो हम यहाँ क्या पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे सम यूज हमारा होगा। ओके उसके बाद सेकंड है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब में यूज तो होता है सम, बट उसकी एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है वो देख लेते हैं हम। व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट्स एन अफर्मेटिव आंसर, जो इस सेंटेंस के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर जो हमारा जो स्पीकर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें क्या मिलना चाहिए, अफर्मेटिव आंसर मिलना चाहिए, मीन्स के पॉजिटिव आंसर सामने से मिलना चाहिए। डिडंट ही गिव यू सम मनी, अब यहाँ पे क्या आएगा इसने पॉजिटिव में दिया गया, क्या दिया गया डिडंट ही गिव यू सम मनी, तो यहाँ पे भी सम हमारा यूज करा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज तो होगा बट हमारा जो स्पीकर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें यहाँ से अफर्मेटिव आंसर मिलना चाहिए सम के लिए। ओके इसका जो हमारा सेकंड जो क्या है एनी, एनी का रोल हम देख लेते हैं। एनी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग काइंड ऑफ सेंटेंस। एनी हमारा किसके लिए यूज होता है, फॉलोइंग काइंड ऑफ सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे हमारा सम अफर्मेटिव मीन पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता था, वैसे ही हमारा जो एनी हो किसके लिए यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि आई डिड नॉट बाय एनी ब्रेड, डिड नॉट आई एम नॉट आई एम मीन क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको आई डिड नॉट बाय एनी ब्रेड और एनी यहाँ पे यूज करा गया है और हमें पता है ये नेगेटिव सेंटेंस है तभी इसके लिए। ओके अब जो सेकंड है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
एनी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, बट इसके भी यहाँ पे भी एनी के अंदर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर। जैसे कि सम के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वहां पे स्पीकर क्या एक्सपेक्ट करता है? अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव आंसर हमें चाहिए वहां पे एक्सपेक्ट करता है। तो वैसे ही सेम एनी के अंदर जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो स्पीकर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे इसको नेगेटिव आंसर मिलना चाहिए, तभी वहां पे एनी यूज होगा। जैसे हैव यू एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको नेगेटिव, आपको जो नेगेटिव आंसर मिल रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या एनी यूज करते हैं। ओके और स्टूडेंट्स मैं आपको एक इजीली रूल बता देता हूँ जो सम और एनी का है, तो एक सिंपल एंड इजी रफ एंड रेडी रूल है। क्या है वो? हमारा वी यूज सम, जो सम है वो हमेशा हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट में यूज करेंगे। अफर्मेटिव स्टेटमेंट मीन्स जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? सम यूज करेंगे, और एनी इन द नेगेटिव एंड द क्वेश्चन। और जहां पे नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वहां पर हम क्या यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सम हमारा किसमें? पॉजिटिव में यूज होगा, और जो हमारा एनी है वो किसमें? नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले में यूज होगा। ओके जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गया, आई हैव सम बुक्स, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट सेंटेंस क्या पॉजिटिव दिया गया, तभी हमने क्या यूज करा गया? यहाँ पे सम यूज करा गया। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है? नेगेटिव दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज करा गया? एनी यूज करा गया है। यहाँ पे एन मीन्स क्या? हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, सो तभी हमने यहाँ पे क्या? एनी यूज करा गया। नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा? ओके हमने नॉट यूज करा गया है, तभी हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ध्यान रखना है ये आपके जो रूल्स थे। इसके बाद जो हम हमारी आगे की जो एक्सरसाइज हम जो करने वाले हैं वो मैं आपको इस रूल्स के बाद सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे की हम अब एक्सरसाइज देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 17, वो हम आगे देखेंगे। ओके हमारा जो 17 नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बोला गया? आपको जो सेंटेंस है उसको एक ही सेंटेंस को आपको नेगेटिव भी बनाना और क्या करना है? उसका इंट्रोगेटिव भी बनाना है। ओके सो हमारा फर्स्ट है यू हैव सम प्रॉब्लम। क्या है हमारा सेंटेंस फर्स्ट? यू हैव सम प्रॉब्लम। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखना आपको, तो नेगेटिव के लिए क्या आएगा? यू डोंट। नेगेटिव का क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे? डोंट यूज कर देंगे, यू डोंट है। अब क्या आ जाएगा? सम की जगह हमें क्या पता है? नेगेटिव है, तो सम तो लगेगा नहीं, तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? एनी प्रॉब्लम। ओके क्या जाएगा? यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब जो हमारे सेकंड सेंटेंस बनाना है वो क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ये डोंट है उसका क्या हो जाएगा? डू आगे लग जाएगा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या लग जाएगा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब दोनों के अंदर हमने एनी हमने यूज करा है, सो हमें क्या करना है? क्योंकि ये क्या बनाना है? हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तभी। ओके और लास्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन मार्क रखना भूलना मत। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क रखना है। ओके हमारा नेक्स्ट है देयर इज सम न्यूज, तो क्या आएगा? देयर इज सम न्यूज, उसका क्या कर? देयर इजंट एनी न्यूज। ये जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था? हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस था। ओके अब जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या आएगा? इज देयर एनी न्यूज, इज देयर एनी न्यूज, और हमें यहाँ लास्ट में क्या रखना है? क्वेश्चन मार्क रखना है। ओके स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए। अब क्या दे वॉन्ट सम पेपर, क्या आएगा यहाँ पे? दे वॉन्ट सम पेपर, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे? दे डू नॉट वॉन्ट एनी पेपर, दे डोंट वॉन्ट
हमारा क्या था, नेगेटिव स्टेटमेंट था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, डू दे वांट एनी पेपर, डू दे वांट एनी पेपर, ओके। जो ये हमारा ड्रॉइंग था उसमें से डू आगे आ जाएगा और इसमें से नॉट हट जाएगा, ओके। आपको ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या, ही गिव मी सम इंक, तो क्या आएगा अब यहाँ पे, ही डिडंट, क्या आ जाएगा, ही डिडंट, अब गेव का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव, ही डिडंट गिव मी एनी इंक, ओके। गेव का क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा और यहाँ पे हमें डिडंट लग जाएगा। और वैसे ही जब हम आगे इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम लिखेंगे तो क्या आएगा, डिड ही गिव मी एनीथिंग, या आपका यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर वन के। ये चार एग्जांपल्स तो आपको अपने नोटबुक में लिखने ही नहीं है, साथ में यहाँ पे आपको 18 दिए गए क्वेश्चंस, तो बाकी के 14 आपको खुद से अपने हिसाब से इसे सॉल्व करना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। जब भी मैं नोटबुक आपके ओरल के अंदर चेक करूंगा तो ये चीज देखूंगा कि 18 के 18 लिखे हुए हैं या नहीं, ओके। अब जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम और एनी। अब मैंने आपको रफ एंड रेडी रूल एक बताया, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स तो वहां पे हमें क्या लगेगा, एनी लगेगा, और जहां पॉजिटिव सेंटेंस होगा और वहां पे हमारा क्या लगेगा, सम लगेगा, ओके। अब नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा हमें, जहां पे नेवर, नो, नॉट ये सब दिए होंगे तो वहां पे नथिंग इस तरीके के वो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे, और ये जो ये चीजें नहीं लगी होगी तो बाकी के क्या होंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे। जैसे कि देयर इजंट डैश वुड पॉलिश इन दिस टीम, अब ये क्या है, हमें नेगेटिव स्टेटमेंट हमें पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आगे हमारा, एनी, क्या लगेगा हमारा यहाँ पे, एनी, ओके। आई हैव डैश मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, यहाँ पे आपको क्या कोई नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, नहीं है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली इसी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सम मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ओके। अब जैसे थर्ड वाला है, देयर आरंट मैच लेफ्ट, वी मस्ट बाय डैश मोर, अब दे आरंट, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया तो वापस हम क्या लगा देंगे स्टूडेंट, एनी, और यहाँ नीचे के सेंटेंस में क्या, वी मस्ट बाय डैश मोर, क्या नेगेटिव है, नहीं है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सम लगा देंगे, ओके। अब जो फोर्थ वाला है उसके अंदर क्या, देयर आरंट डैश रेड रोजेस इन दिस गार्डन, अब यहाँ पे क्या वापिस हमें नॉट आया, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एनी, और जो उसके नीचे का सेंटेंस है सेम, आई लाइक दोस रोजेस प्लीज गिव मी, क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव है, नहीं है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सम, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल हमें 12 दिए गए, उसमें से मैंने आपको 5 कराए हैं, बाकी के आपको जो है वो आपको खुद से घर पे सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने जो हमारा पहले हमने सम और एनी के रूल्स देखे थे, अब हम यहाँ पे वन और वंस के रूल्स देख लेते हैं, ओके। और जो वन और वंस है, ओके, दिस टू वर्ड्स आर नाउन, हमें पता है कि ये दोनों क्या है, नाउन है, और वंस इज द प्लूरल ऑफ वन, जो वंस है वो क्या है, वन का प्लूरल है, ओके। दे आर यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन, और ये किस लिए यूज होते हैं, कि कोई भी जो रिपीटेशन हो रहा है कुछ भी थिंग्स का उसे अवॉइड करते हैं, और दे स्टैंड फॉर नाउन दैट हैज बीन यूज्ड अर्लियर, और वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, जो नाउन जो हमने अर्लियर जो पहले हमने यूज कर लिया है उसके लिए ये मोस्टली वहां पे स्टैंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपको मैं समझा दिखा देता हूँ, विच पीस वुड यू लाइक, ओके, यहाँ पे पूछा गया ठीक है, आई वुड लाइक द बिगर वन, ओके, कौन सा पीस आपको पसंद है, तो उसके लिए क्या बोलेगा, आई वुड लाइक द बिगर वन, ओके। अब सेकंड यहाँ पे जैसे दोज शूज आर टू ओल्ड, तो उसके लिए क्या, वी मस्ट बाय सम न्यू वंस, अब क्या यहाँ पे जो टू है उसके लिए क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, वंस लग जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे वन यूज करा था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वंस यूज होगा, ओके। आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे पहले कोई रिपीटेशन हो रहा हो तो उसको ये अवॉइड करते हैं,
और ये हमेशा जो नाउन जो अर्लियर के लिए यूज करा गया था ये उसके लिए यूज होता है। और एक और चीज है इसके, वी कैन यूज वन एंड वंस फॉर द काउंटेबल नाउन, और हम काउंटेबल नाउन के लिए वन और वंस यूज कर सकते हैं। ओके, दिस आइज इज हार्डर देन दैट वन, क्या आएगा, दिस आइज इज हार्डर देन दैट वन। ओके, अब यहाँ पे हमने वन यूज करा, हमें पता है कि वन और वन से वो किसके लिए काउंटेबल के यूज होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया है, दिस आइज इज हार्डर देन दैट वन। ओके, तो हमने वन का यहाँ पे यूज करा है। सो स्टूडेंट्स, ये वन और वन के जो रूल्स थे। इसके बाद आपको मैं हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 18 है उसमें 18 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने आपको यहाँ पे चार एग्जांपल आपको बताया, बाकी आपको खुद से करने हैं। जैसे कि आई लॉस्ट माय ओल्ड कैमरा, दिस इज अ न्यू वन, क्या आएगा यहाँ पे, न्यू वन। ओके, सेकंड है हार्ड बेड्स आर हेल्थियर देन सॉफ्ट वंस, क्या आएगा यहाँ पे, वंस आएगा। ओके, अब इसके बाद है जो हमारा समय, इसमें क्या यूज करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम, एनी, वन और वंस है, तो आपको इसके अंदर सम और एनी भी यूज करना है। तो जैसे आपको सम एनी का तो रूल पता है कि पॉजिटिव होगा तो क्या लगेगा, सम लगेगा, नेगेटिव होगा तो एनी लगेगा। आई वॉन्ट डैश फ्रूट, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, सम लगेगा। और सेकेंड है बट ग्रोसियर हैजंट डैश, तो हैजंट आया नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एनी लगेगा। ओके, जो फोर्थ वाला हमारा, सो दिस इज योर हाउस, इट इज अ पीटी वन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पीटी वन, हमें पता हाउस है क्या, तो क्या वन लगेगा। ओके, सो ये आपके चार एग्जांपल थे। इसके बाद आपको ये पूरे की पूरी जो एडमिन आपको एक्सरसाइज करवाई है वो आपको नोटबुक में करनी है, ओरल के अंदर मैं चेक करूंगा, अगर आपको नोटबुक के अंदर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नोटबुक के अंदर सारे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे जो सम एंड एनी और वन एंड वंस वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। Thank you.